Hello dear candidates How do you do? I hope that all of you guys must be fine over there and most welcome all of you in our YouTube channel for an employment info. Sathyu may place YouTube channel. फॉरेन एम्प्लॉयमेंट इन्फो के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमारे पास यू ए यूनाइटेड अरब अमीरात यानी दुबई के लिए वहाँ की एक सुप्रसिद्ध कंपनी मैक्सल ग्रुप में हमें ये सारी की सारी निमन बताई गई पोजीशंस को रिक्रूट करके इन्हें भरना होगा इन सभी पोजीशंस के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन सीबी के माध्यम से रहेगा अर्थात सीबी सिलेक्शन या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है साथियों इन दोनों मेथड में से किसी एक मोड पर इंटरव्यू करके इन सभी निम्न कैटेगरीज के, के लिए मैन पावर की सिलेक्शन की जाएगी विजे टू तो एम्प्लॉयमेंट वीजा पर भी इनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा हमें ए एच यू असम्बलर चाहिए ए एच यू सैम्बल्स एयर हैंडलिंग यूनिट के लिए चाहिए जिन्हें क्वालिफिकेशंस के आधार पर कहना चाहूँगा आईटीआई में रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशंस का जिन्होंने भी आईटीआई ट्रेनिंग कर रखी है उनके लिए हम ये ए एच यू सैम्बल्स की पोजीशन के लिए डॉक्यूमेंट इनवाइट करना चाहेंगे इन कैंडिडेट के पास तीन से पाँच वर्ष का अपने ही रिलीवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए आयु सीमा पच्चीस से पैंतीस वर्ष के मध्य रखी गई है सैलरी का स्ट्रक्चर इन्हें सोलह सौ से लेकर दो हज़ार पर मंथ के लिए तय किए गए हैं हमें इसी मैक्सल ग्रुप के लिए असिस्टेंट ए एच सैम्बलर चाहिए यानी एयर हैंडलिंग यूनिट में ही इन्हें भी अपनी ड्यूटी को निभाना होगा और इसके लिए क्वालिफिकेशन है सेम उपरोक्त की भांति आईटीआई आरएनएसी में होनी चाहिए दो से तीन वर्ष का अनुभव इनके पास होना चाहिए और इनका आयु सीमा 20 से 25 वर्ष के मध्य रखी की गई है सैलरी 1400 सौ ड्राम से लेकर 1600 सौ के बीच में फिक्स होगी नेक्स्ट है ब्रेजर एयर हैंडलिंग यूनिट के लिए इनको भी महानियुक्त किया जाएगा इनके लिए भी क्वालिफिकेशन आईटीआई से रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशंस की स्किल होनी चाहिए कि ट्रेनिंग प्राप्त की हो तीन से पाँच वर्ष का कार्य अनुभव इनके पास होना चाहिए और एज़ के लिए कहना चाहूँगा कि इस पोजीशन में 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के युवा को ही इसमें अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी 1,800 सौ द्राम से लेकर 2,200 ड्राम के बीच में इनका सैलरी का, का पैटर्न फिक्स होगा और इसके साथ में हमें बेंडिंग ऑपरेटर की भी आवश्यकता है ये बेंडिंग ऑपरेटर के पास आईटीआई आई फिटर से पास होना चाहिए तीन से पांच वर्ष का अनुभव इनके लिए रखा गया है पच्चीस से अर्थात ये जो बेंडिंग ऑपरेटर हैं इनके लिए पच्चीस से पैंतीस वर्ष की आयु सीमा है और ब्रेजर के लिए 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवा ही इसमें अपने डॉक्यूमेंट परस्यू कर पाएंगे और ब्रेज़र की पोजीशन के लिए सैलरी 1,800 सौ से लेकर 2,000 हज़ार के मध्य फिक्स होगी ब्रेजर के लिए सैलरी सॉरी 1,800 सौ से लेकर के 2,200 सौ पर मंथ के हिसाब से तय होगी जबकि बेंडिंग ऑपरेटर जो फिटर ट्रेड से होने चाहिए उन्हें तीन से पाँच वर्ष का अनुभव लाजमी रखा गया है और 25 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में होनी चाहिए उन्हें 1800 से 2000 हजार ग्राम पर मंथ के हिसाब से सैलरी का पैटर्न प्राप्त होगा टिग और मिग बिल्डर भी चाहिए यह भी आईटीआई टी आई बिल्डर में ट्रेनिंग होनी चाहिए तीन से पाँच वर्ष का अनुभव इन्हें कार्य करते हुए होना चाहिए और आयु सीमा इसके लिए 22 से 30 वर्ष रखी गई है और इस टिग और मिग वेल्डर की पोजीशन के लिए 1,800 से 2,000 हजार ग्राम के बीच में सैलरी का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा जूनियर वेल्डर भी इसमें भरे जाएंगे जूनियर वेल्डर्स भी आईटीआई पास होने चाहिए जिनके पास आईटीआई टी में पास की हो उसका प्रमाण पत्र साथ में लेकर आए एक से तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए बीस से पच्चीस वर्ष आयु के युवा ही इसमें हिस्सा ले पाएंगे जिन्हें सैलरी का स्ट्रक्चर बारह सौ द्राम से लेकर चौदह सौ द्राम के बीच में फिक्स होगा फोरमैन भी एफ सी यू असेंबली के लिए चाहिए कहना चाहूँगा ये फोरमैन एफ सी यू असेंबली के लिए आई टी आई या डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए पाँच से आठ वर्ष का इनके पास एक्सपीरियंस मैंडेटरी होना चाहिए तीस से चालीस तीस से चालीस घंटे इन्हें ड्यूटी का रोस्टर प्राप्त होगा और बारह सौ सैलरी का स्ट्रक्चर बारह सौ से लेकर चौदह सौ के मध्य फिक्स होगा इसके साथ में फोर मैन एफ सी असेंबली वाले भी चाहिए और इनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन आईटीआई या फिर डिप्लोमा अनिवार्य रूप से होना चाहिए पाँच से आठ वर्ष का एक्सपीरियंस भी इसमें कंसिडरेबल होगा तीस से चालीस वर्ष की आयु में ही ये सब क्लोज करना चाहूँगा और इसके लिए जो फोरमेन एफ सी ओ असेंबली में नियुक्त होंगे उन्हें सैलरी का पैकेज पच्चीस सौ से लेकर ढाई सौ के मध्य तय होगा तो जो भी कैंडिडेट उपरोक्त तो बताई गई पोजीशंस में जॉब करने के इच्छुक वो अपने डॉक्यूमेंट्स मेल आईडी पर जरूर भेजें टर्म और कंडीशन के तहत कहना चाहूँगा अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से प्राप्त होगी ट्रांसपोर्ट भी कंपनी ही देगी मेडिकल इंश्योरेंस भी कंपनी उपलब्ध करवाएगी लीव आफ्टर एवरी ट्वेंटी फोर मंथ्स ऑफ सर्विस के चौबीस महीने के अंदर ये सारी की सारी हैबिट रूटीन में रहनी चाहिए अदर बेनिफिट्स यू ए के लेबर लॉ के अनुसार इन भाइयों को प्राप्त होंगे अंत में साथियों से कहना चाहूँगा कि जो भी दुबई की इस मार्क्सवल ग्रुप में अपनी सेवा देने के इच्छुक हैं वो कृपया अपने रिलीवेंट डॉक्यूमेंट जिसमें वायो डाटा रिज्यूम यानी सी बी बर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए और लेटेस्ट फ़ोन नंबर भी उस पर लिखा होना चाहिए पासपोर्ट कॉपी फ्रंट और बैक एजुकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ ये सारे के सारे बताए गए डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल स्कैन करके और फिर हमारी निमन दी गई मेल आईडी कुमार फाइव सिक्स नाइन सेवन एट द रेट डॉट कॉम पर सीगर उपलब्ध करवाएं और किसी भी पेंडिंग क्वारी के लिए भी आप दिन में दस बजे के बाद कभी भी निमन दिए गए कंटेक्ट नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल फॉरन एम्प्लॉयमेंट इन्फो डॉट स्लाट वैकेंसी पर अवश्य विजिट करें और वहाँ पर आने वाले नए स्टूड उनको कैंडिडेट्स को ये सारी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाएं इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं उसके लिए हमारा फॉरेन एड्रेस रहेगा फॉरिन एंडरस को ई एम पी डॉट सी एस डी पर भी डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हैं कंपनी के नेम के साथ कंट्री के नेम के साथ तभी उनका प्रोसीडिंग होगा साथियों अंत में मैं उन भाइयों से अपील करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल फॉरन एम्प्लायमेंट इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी विशेष प्रार्थना है कि वीडियो को देखने के उपरांत इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर यह सारी की सारी फ़ॉरेन जॉब से संबंधित सूचना इमीडिएटली मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध हो सकें इसके लिए मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी हमारा युवा वर्ग है उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत बिना देरी के प्राप्त हो और वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से प्रोसीडी करने योग्य बन सकें इसके लिए मैं आप सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और ये भी उम्मीद करूँगा कि जल्दी ही आप सभी इन वैकेंसीज़ को फॉलो करेंगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत